कोरोना संकट के समय में दिल्ली सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि मरीजों के लिए बेड का इंतजाम किस तरीके से किया जाए, और उस समय में दिल्ली के होटल और बैंकेट हॉल को रिजर्व किया गया था ताकि वहां पर बेड्स का इंतजाम किया जाए। करीबन 77 जो बैंकेट हॉल और होटल हैं उनको रिजर्व किया गया था और 11,000 के करीब वहां पर बेड लगाए गए थे। इस वक्त मैं एक बैंकेट हॉल में खड़ी हुई हूँ। फिलहाल दिल्ली सरकार ने उन बैंकेट हॉल और होटल को डीलिंग कर दिया है, यानी कि जिस तरीके से रिजर्व किया गया था अब उस रिजर्वेशन को हटा दिया गया है, उसको डीलिंग कर दिया गया है। और अब आप देख सकते हैं कि जहां पर कभी कोविड केयर सेंटर था वहां पर अब बैंकेट हॉल की रौनक वापस आने लगी है। ये वही जगह है जहां पर पहले बेड्स लगाए गए थे, लेकिन अब वहां पर पार्टी और या किसी फंक्शन के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और यहां पर जो इंतजाम है वो भी लग चुके हैं। लेकिन जिस तरीके से कोविड केयर सेंटर बैंकेट हॉल्स में बनाए गए, बिजनेस पर क्या असर पड़ा, क्या कुछ परेशानियां हुई, हमारे साथ बात करने के लिए बैंकेट हॉल के जो मालिक हैं कृष्णा जैन वो भी हैं, उनके मैनेजर भी हमारे साथ हैं, हम उनसे ही बात करेंगे। कृष्णा, जब मुश्किल का समय था तो बैंकेट हॉल्स को कोविड केयर सेंटर में बदल दिया गया था, तो यहाँ पर कितने बेड्स लगाए गए थे और किस तरीके की सिचुएशन थी उस समय पर? एक बार जब मुश्किल का टाइम था तो जब हम लोगों के पास बेड के लिए एक लेटर आया था, जो ऊपर से जो नोटिस आया था, तो उस टाइम तो हम लोगों को भी ये लग रहा था कि हम लोग इसको कैसे वेव ऑफ करेंगे, हम लोग डर रहे थे कि मतलब कैसे इस चीज़ को वो करेंगे। लेकिन उसके बाद हम लोगों को गवर्नमेंट से हमने कहा कि नहीं यार, हमें गवर्नमेंट की हेल्प करनी चाहिए, तो हम लोगों ने पूरा हम लोग आगे बढ़े उस टाइम। तो हमारा मतलब पूरा ही दिल्ली के जितने बैंकवर्ट एसोसिएशन वाले थे सब आगे बढ़ के सब लोगों ने अपना अपना बैंकवर्ट दिया। तो हमारे यहाँ भी हमने भी अपना बैंकवर्ट दिया, उसमें 82 बेड्स लगे हुए थे हमारे यहाँ पे। 17 जून को हमारे यहाँ पर पूरा का पूरा प्लेसमेंट हुआ था 82 बेड्स का। उसके बाद पूरा का पूरा सैनिटाइजेशन करके और वो लोगों का जो भी आगे का वो था, तो उन लोगों का क्या प्रोसेस था वो हम लोगों को नॉलेज में नहीं था, लेकिन 20 जुलाई को ही सारा का सारा यहाँ से वेव ऑफ हो गया। ओके, तो जब ये वेव ऑफ हो गया उससे पहले जब यहाँ पर क्या कुछ पेशेंट्स भी आए थे और किस तरीके का रोल था आपका, दिल्ली सरकार ने किस तरीके से मदद की थी और क्या कुछ क्या सिचुएशन थी पूरी? मैम, पेशेंट तो यहाँ कोई भी नहीं आया और एक पूरा का पूरा एक इमरजेंसी सिचुएशन थी यहाँ पर कि पूरे कभी अगर ऐसा सिचुएशन होती तो यहाँ पूरा का पूरा एक इमरजेंसी पूरा सब कुछ लगाया गया था, लेकिन पेशेंट कोई भी नहीं आया यहाँ पर। पेशेंट तो नहीं आया था, लेकिन जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से रिजर्व किया गया तो बिजनेस पर भी, अगर बिजनेस के तौर पर देखिए, काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा। कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्या कुछ चुनौतियाँ थी? हम काफ़ी दिक्कत आई, 3 महीने के लिए वैसे ही पूरा बैंकवेट्स बंद कर दिए गए थे। अभी ये भी नहीं पता था कि ओपन कब होंगे वो, कब बेड्स हटेंगे, हम आगे की बुकिंग्स कब कर पाएंगे। पहले ही 3 महीने का नुकसान था और अब आगे का कैसे था। तो अभी जिस तरीके से बुकिंग्स आना शुरू हुई है, क्या कितने बुकिंग्स आ रहे हैं और जो रौनक है वो वापस पूरी तरीके से कब तक लौट पाएगी, क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? मैम, रौनक के लिए तो ये सरकार ही बता पाएगी जब वो गाइडलाइंस देंगे ज़्यादा लोगों की। अगर वो हमें कहते हैं कि हम बुकिंग कर पाएं तो ही रौनक ढंग से आ पाएगी, क्योंकि 50 लोगों में तो फंक्शन करना बहुत मुश्किल है, शादी का खासतौर। 50 तो घर के ही लोग हो जाते हैं अगर हम देखें तो। अभी लोग हमारे पास आ रहे हैं बुकिंग के रिगार्डिंग, लेकिन हम उन्हें बता नहीं पा रहे हैं कि हम कितने लोगों का फंक्शन ले सकें। मेन दिक्कत आ रही है जो सबसे ज़्यादा है वो गैदरिंग की दिक्कत आ रही है कि 50 लोगों की गैदरिंग हम कर नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे हॉल्स बहुत बड़े हैं स्पेस के हिसाब से। तो हॉल्स बड़े हैं और जिस तरीके से लोग अभी फिलहाल कम गैदरिंग की बात की जा रही है, एसओपी का आप लोग इंतजार कर रहे हैं, तो अगर जैसे जिस तरीके की एसओपी आती है और नंबर ऑफ गेस्ट बढ़ जाते हैं तब वैल्यू निकल पाएगी, और अगर नहीं होता है तब फिर कितना लॉस में जाएगा? वही है चीज़, अभी हम लोग गवर्नमेंट से यही हेल्प चाहते हैं कि हमारे पास जैसे जितना बड़ा स्पेस है उसी के हिसाब से हमें 50% गैदरिंग का ऑर्डर दिया जाए। मैं एक्चुअली ये नहीं कहता कि हम लोगों को प्रॉफिट से हम लोग निकल जाएंगे, लेकिन हमारे यहाँ जितने भी छोटा स्टाफ है, जो भी हमारे यहाँ आदमी जो जुड़े हुए थे, जो मैन पावर प्लस थी हमारे साथ, उन लोगों को वेजेस मिलेगा, उन लोगों को काम मिलेगा, उन लोगों को एक मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ मुझे काम करना है, तो उनकी फैमिली चलेगी, उनके पास पैसा आएगा, उनका फंड होगा, तो धीरे धीरे सबका एक रूटीन घूमेगा। जो आज जिसके पास अनएम्प्लॉयमेंट है उसके पास कम से कम एम्प्लॉयमेंट तो होगा। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट कम से कम इस इंडस्ट्री के बारे में सोचे, इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने की कोशिश करे। फूड इंडस्ट्री है, इसमें मतलब हजारों आदमी, छोटे से लेकर ऊपर तक सब आदमी इसमें काम करते हैं और सब जुड़े हुए हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। अच्छा, जिस तरीके से मई जून शादियों का सीजन होता है और पीक आवर होता है उस समय का, वो तो अभी चला गया, अगस्त में हम पहुंच चुके हैं, अब आने वाले जो अक्टूबर नवंबर है, तो क्या लगता है तब तक चीज़ें स्मूथ हो पाएंगी और जो बिजनेस अभी तक लॉस में था वो कुछ प्रॉफिट में आएगा? मैम, अगर इस साल की बात करें तो बहुत मुश्किल है। जो हमारा पीक सीजन था समर का, अप्रैल मई जून, वो टोटली खत्म हो चुका है। अगस्त सितंबर अक्टूबर में इस इंडस्ट्री में वैसे ही काम नहीं होता,
जो हम सर्वाइव करते हैं वो इन 3 महीनों से ही करते हैं, वो 3 महीने भी मार्च से ही बैंक्वेट्स बंद हैं, और अब जो सीजन है वो नवंबर दिसंबर में है, लेकिन गैदरिंग की वजह से वो भी हम नहीं कर पा रहे हैं, लोग भी डरे हुए हैं, गैदरिंग नहीं कर पा रहे हैं। उम्मीद है कि अगर सरकार से हेल्प मिल सके, लोग अगर हमें गैदरिंग आगे की मतलब अलाउ ज़्यादा कर सकें, तो शायद नवंबर दिसंबर बेटर हो सके, लेकिन बस सब कुछ सरकार के हाथ में ही है सब कुछ। अच्छा, तो अभी सब कुछ सरकार के हाथ में है, और अभी तो 50 लोगों की ही लिमिट है, लिमिट बढ़ने की आप लोग उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन क्या कुछ अभी ऑर्डर्स आ रहे हैं जो बड़े ना होकर छोटे ऑर्डर्स है, किस तरीके के ऑर्डर्स फिलहाल मिल रहे हैं? ऑर्डर्स अभी जैसे 50 लोगों के मिले हुए हैं, 31 अगस्त तक 50 लोगों का फंक्शन है, लेकिन आगे शायद हम लोगों को एक स्कोप आया है, कल जैसे हम लोगों को एक छोटा सा इशू भी निकला है कि जितना बड़ा स्पेस होगा उसके अंदर हम लोग 50% का एक गैदरिंग कर सकते हैं। कल हम लोगों की बैंक्वेट एसोसिएशन से सीएम साहब के साथ मीटिंग थी, उस सीएम साहब ने इमीडिएटली इस चीज़ के बारे में किया, अब 2-3 दिन में उसका SOP आ जाएगा। तो आगे वाले टाइम में हम लोगों को तो यही है कि हमारी होप है कि हम लोग धीरे धीरे इस इंडस्ट्री को थोड़ा सा और बढ़ा सकें। होप है और उम्मीद भी की जा रही है, बस एक चीज़ और है कि जिस तरीके से वैल्यू नहीं निकल रही, आपने कहा कि 50 लोग रहेंगे तो इतना बड़ा बैंक्वेट हॉल है, तमाम खर्चे होते हैं, तो जाहिर सी बात है ऐसे में स्टाफ कुछ कम किया गया होगा। बिल्कुल, 80% स्टाफ हटा दिया गया है, इंतजार है कि अगर गैदरिंग ज्यादा होती है सरकार की तरफ से तो हम उनको वापस बुलाएं, वो लोग भी इंतजार कर रहे हैं, काफी लोग बेरोजगार हो गए हैं। सिर्फ स्टाफ की बात ना करें तो इस इंडस्ट्री से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, छोटे से लेके बड़े लोग तक, यानी कि यूटी की टीम एक जो सप्लाई करते हैं, यूटी जो बर्तन वगैरह उठाते हैं, वेटर्स की टीम जुड़ी हुई है, फ्लारिस्ट जुड़े हुए हैं, DJ, और अगर देखा जाए तो स्वीट शॉप्स, शादी के कार्ड वाले, शादी के कार्ड अगर बात करें, मतलब बहुत छोटी सी चीज़ें हैं जो इधर से, लाइट्स वाले, सब लोग इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और सब लोग बस एक अच्छे समय का इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल, यानी कि एक चीज़ से फर्क नहीं पड़ता, बाकी पूरी चेंज जो है वो पूरा इफेक्ट करेगी। मैम, घर में एक ही फंक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं शादी। शादी अटेंड करने के लोग दिल्ली से क्या, दिल्ली के बाहर से लोग आते हैं, 6-6 महीने पहले लोग एडवांस में टिकट बुक करवाते हैं, कपड़े बनवाते हैं, तो हर इंडस्ट्री में एक शादी बहुत बड़ा, एक अपने आप में एक बहुत बड़ा फेस्टिवल समझ लीजिए, बहुत बड़ा इवेंट समझ लीजिए, क्योंकि कपड़ा, ज्वेलरी, हर आदमी एक दूसरे से प्लस होता है सिर्फ शादी के माहौल में। अब कार्ड वाले हैं तो कार्ड वालों का बिजनेस लो हो गया, फूल वाले हैं तो फूल वालों का, फोटो स्टूडियो वाले तो फोटो स्टूडियो वाले, बैंड बाजे वाले, बहुत सारी इंडस्ट्री है जो उसके साथ जुड़ी हुई है। तो प्रॉपरली यही चीज है, यही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि भाई इसको जल्दी से इंडस्ट्री को पूरा थोड़ा फोकस किया जाए और इस चीज को आगे बढ़ा दिया जाए। बस एक आखिरी मैं प्रश्न पूछूंगी कि जिस तरीके से आप लोग होप कर रहे हो कि नंबर ऑफ गेस्ट ज्यादा कर दिए जाए तो इंडस्ट्री को थोड़ा सा बेटर हो, क्योंकि जो लॉस में गया है, तो क्या लगता है कि ये SOP कब तक आ जाएगी? मैम, ये सब तो दिल्ली स्टेट के हाथ में है, फिर सुनने में मीटिंग हुई है कल, तो क्या कुछ जो 2-3 डेज अप्रॉक्स की बात हुई है सीएम साहब से, सीएम साहब ने बोला है कि मैं 2-3 दिन के अंदर SOP वो कर दूंगा, तो उससे हमें बहुत 99.9% आप समझ लीजिए 100% हमें कल हमें होप मिली है, और वो जो उन्होंने बोला वो करके देंगे, तो वो चीज हमें बहुत बढ़िया आगे से रहेगी। हमारा सारा स्टाफ जो हमारे यहाँ से छोड़ के चला गया, वो लोग भी बहुत हैप्पी हो गए कल की न्यूज के बाद, दे आर वेटिंग की मतलब कब से ज्वाइन हो रहा है सर, कब से ज्वाइन हो रहा है, तो बस उसी चीज का SOP का इंतजार है, SOP आते हैं हम लोग अपना आगे का काम शुरू करेंगे। तो जिस तरीके से उम्मीद जागी है कि सरकार जो नए SOP जारी करेगी उसमें जो गेस्ट के जो नंबर्स है, यानी कि परमिशन जो है वो ज्यादा लोगों की मिल पाएगी, इसका इंतजार कर रहे हैं, और रौनक तो यहाँ पर वापस लौट चुकी है, लेकिन अब इंतजार है उन लोगों का जो यहाँ पर आकर इस बैंक्वेट हॉल की रौनक बढ़ाएंगे। देख सकते हैं तैयारियां पूरी तरीके से हो गई हैं, जहां कोविड केयर सेंटर बनाया गया था, डीलिंग करने के बाद वापस बैंक्वेट हॉल जिस तरीके के होते हैं, जो डेकोरेशन होती है, जो यहां पर चीजें होती हैं, वो सारी चीजें यहां पर लग चुकी हैं, और सरकार ने डीलिंग भी कर दिया है, करीबन 77 जो बैंक्वेट हॉल और होटल थे उनको डीलिंग कर दिया गया है, वापस से उनका काम शुरू हो गया है। बस इंतजार है कि अभी जो छोटे ऑर्डर्स मिल रहे हैं वो बड़े ऑर्डर्स आए, क्योंकि आने वाले समय में शादियों का सीजन आने वाला है, तो ऐसे में सभी को इंतजार है कि SOP में क्या कुछ चीजें निकल कर आती हैं। कैमरा पर्सन गौरव सक्सेना के साथ रचना, न्यूज 18 दिल्ली।